है ना। तो जैसे हम लोग जब एएमयू वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो 1 AMU का वैल्यू था 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, और एग्जैक्टली यही वैल्यू था मास ऑफ प्रोटॉन में या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन वाले पार्ट में। तो वो चीज़ हम लोगों ने रिलेट की थी। 1 AMU का डेफिनेशन भी शायद ध्यान होगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 × मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और कार्बन में भी कार्बन 12 एटम की बात करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1 12 करते हैं, तब तो उस केस में हम लोगों को आराम से 1 AMU का वैल्यू निकल के आता है, मतलब 1.66 × 10⁻²⁴ वैल्यू निकल के आता है ना। फिर यस सर, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ा था क्या, एटॉमिक मास क्या होता है, यस सर, क्या पढ़ा था इसमें, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और उसको निकालने के लिए एक पार्ट मेंशन किया हुआ था रिलेटिव एटॉमिक मास वाले पार्ट में। अगर हम लोग 1 AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, तब उस केस में आराम से एटॉमिक मास निकल के आ सकता है। बेसिकली हम लोग एक एटम का मास निकालना है। तो एक एटम के मास निकालते वक्त एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन तीनों के मासेस को अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आराम से एटॉमिक मास निकल के आएगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास निगलिजिबल होता है, इसका मतलब इसका मास अपने काम का नहीं है। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास निकालना है, तो इन दोनों का जब मास एड अप करेंगे, तो बेसिकली जो मास नंबर है ए, वही मास नंबर निकल के आएगा इनटू मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू निकल के आएगा, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोलो या न्यूट्रॉन बोलो, अभी के लिए दोनों बराबर है। और जो मास नंबर है उसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में AMU के बराबर बोल रहे हैं। तो जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली और कुछ नहीं है, हम लोग के पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास का सम है, जो कि हम लोग मास नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन से आराम से निकाल सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए होंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई किया था क्या तुमने, या फिर नो क्वेश्चंस सर, डिस्कशन करना है? चलो ठीक है, तो काम करते हैं, पहले कुछ हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास का कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम लोग मोल्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मोलर मास वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो जैसे अभी तक हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, तो एटॉमिक मास में एक एटम का मास नंबर और उसके बाद हम लोग 1 AMU से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जैसे अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, 16 × 1 AMU, मतलब बेसिकली 16 AMU ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकल के आएगा। अगर हम लोग सोडियम लेके चले तो इसका मास नंबर 23 होता है, तो यहाँ से हम लोग आराम से सोडियम वाले पार्ट में 23 AMU के बराबर एटॉमिक मास लेके चल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मॉलिकुलर मास की बात करेंगे, तो हम लोग बेसिकली एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे मान लो O2 है, तो अब O2 में मास नंबर 16 के बराबर नहीं रह गया, पहले मास नंबर 16 था क्योंकि एक ही ऑक्सीजन था, बट अगर अब दो ऑक्सीजन हैं तो दोनों के कम्बाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को देखना है। मतलब टोटल इसका एक एटम का मास नंबर 16 है लेकिन टोटल एटम्स 2 है, मतलब टोटल मास नंबर 16 × 2 हो जाएगा, और इसके मास वाले पार्ट को हम लोग 1 AMU से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब टोटल हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास है 32 AMU निकल के आएगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग H2O लेके चलते हैं, तो H2O में अगर टोटल मास नंबर निकालना है, फिर टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो टोटल मास नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 × 2 एटम, उसके अलावा ऑक्सीजन का मास नंबर 16 × 1 एटम, टोटल कितना हो जाएगा, 18 18। तो अपना मॉलिक्यूलर मास 18 AMU के बराबर निकल के आएगा। 9th क्लास में ये चीज देखा होगा, 18 ग्राम, ये ग्राम अलग चीज है और ये AMU अलग चीज है, क्योंकि AMU का वैल्यू जैसे अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था, AMU वाले पार्ट का वैल्यू तो वन ए 1.66 × 10⁻²⁴ है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे इस वाले पार्ट में मास का, तो हम लोग का O2 का मास जो निकल के आएगा 32 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर वैल्यू आएगा। दूसरे वाले केस में जो H2O का मॉलिकुलर मास होगा वो 18 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर निकल के आएगा। मतलब AMU का मतलब ग्राम नहीं होता, AMU का मतलब 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है। तो इस केस में जो टोटल वैल्यू है ये कुछ और निकल के आएगा, लेकिन हम लोग उसको लिखते हैं 18 के टर्म में। 18 AMU लिखो या फिर इसी चीज को 18 U कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, क्योंकि AMU वाले पार्ट को अभी के टाइम पे
यूनिफाइड मास से रिप्लेस कर दिया गया है। तो जो यूनिफाइड मास है वो एग्जैक्टली वही चीज़ है, एम यू है, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोल के काम करते थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका, जैसे ये सब कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपके काम पे नहीं है, ठीक है, उसका नोट्स जो होगा वो भी हम भेज देंगे, बट ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से काम के नहीं होते, लेकिन मतलब एक्चुअल में काम के नहीं होते इन द सेंस कि कहीं से अलग से सवाल इसके ऊपर रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन अभी से लेके क्लास 12 तक ये पार्ट बार बार यूज होंगे, मतलब हर जगह पे ये टॉपिक्स में क्वेश्चंस में यूज होंगे ही होंगे, मतलब इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको मालूम होना चाहिए सबको, एमयू क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, लेकिन अलग से इन क्वेश्चंस वाले पार्ट के ऊपर सवाल फ्रेम नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम लोग के बहुत एक्सक्लूसिव सवाल से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नोट करना शुरू करो, जैसे अगर एटॉमिक मास होना होगा तो एटॉमिक मास देखना, मॉलिक्यूलर मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, क्वेश्चन नोट कर लो अपनी कॉपी में। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, जिसमें एक वैल्यू हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, मान लो NH3, ट्राई करके देखते जाओ सारे मॉलिक्यूल्स, और जिस एलिमेंट का मास नंबर नहीं मालूम होगा उसका मास नंबर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का मॉलिक्यूल मालूम है क्या होता है? ब्लू विट्रल। नो सर, अभी 10th क्लास से पढ़ा है ना जी इस चीज का। Cu.5H2O लिख दिया मैंने, CuSO4.5H2O और कॉपर का मास नंबर 63.5 होगा। ट्राई करके देखो 12 क्वेश्चन। Thank you.
और हर एक केस में एएमयू लिखना मत बोलना, एएमयू बहुत जरूरी चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके। उसके बाद एसिटिक एसिड में 60 AMU, ग्लूकोज में 180 AMU होना चाहिए। हमको ऐसा वैल्यूज याद है, ठीक है, इसलिए मैंने ये सारे एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन आएगा 11 से 12 तक में, तुमको भी याद हो जाएगा, बट अभी के लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके। सर 10, 11 और 12 में डाउट। वो तो बताना ही है वैसे भी। चलो, जिप्सम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। CSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। H2O। तो जैसे इसमें एक तो कैल्शियम का मास नंबर शायद ध्यान होना चाहिए, 40 होता है, ठीक है, तो कैल्शियम वाले पार्ट का 40 × 1 एटम है, सल्फर वाले पार्ट में 32 × 1 एटम, ऑक्सीजन का 16 × 4 एटम। उसके अलावा ये जो डॉट 2H2O है, इसका मतलब दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वर्ड सुना होगा क्लास 10th में, है ना। यस सर। तो जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली दो H2O के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। तो H2O का मास अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 18 के बराबर, मतलब दो मॉलिक्यूल के लिए 2 × 18 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा CaSO4.5H2O हो गया। उसके अलावा वाटर के तरफ से 2 × 18 कंसिडर कर सकते थे सीधा, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, 2H2 का मतलब हो गया टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, और उसके अलावा 2 ऑक्सीजन वाले पार्ट, तो 4 × 1 कर लेते, प्लस 16 × 2 कर लेते, मतलब 1 × 4 कर लेते, फिर 16 × 2 कर लेते, या फिर डायरेक्टली H2O को 18 × 2 कर दिया। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 64, 32, 40 और यहाँ पे 36, तो 64 + 36 100 के बराबर हो जाएगा, 40 + 32 72 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 172 AMU अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करके देखो, ब्लू विट्रल वाले पार्ट को हम भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिक्सटी फोर प्लस 32 + 64 10 ले सकते थे, इसका मतलब 0 ही हो जाएगा, 4 10 ओके, 1 9 10 16 16 19 से 25, 249.5 होना चाहिए आंसर, 249.5 AMU ब्लू विट्रल। यस आ गया आंसर, यस सर। नहीं आएगा तो पूछ लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लगा ठीक है। ओके। लास्ट वाले केस में एक बार सोच के देखो क्या आंसर होगा। K4Fe6, पोटेशियम का मास नंबर 31, पोटेशियम का 31 होता है, नहीं, पोटेशियम का 39 होता है, और आयरन का 56।
40 इंटू 4 160 माइनस 156 हो जाएगा, प्लस 56 प्लस 72 प्लस 54, यहाँ से 10, फिर उसके बाद 60 और 240 प्लस 56 प्लस 72, इसका मतलब 240 मतलब 296, 290 प्लस 70 मतलब 368, 368 के अराउंड होना चाहिए आंसर। एक बार कैलकुलेशन देख लो, 39 इंटू 4 सर, टू 150, सिक्सटी 468, 2 12, 468, नहीं 368। चलो देख लेते हैं, 150 प्लस 50 मतलब 200 हो जाएगा, 200 प्लस सर, नहीं, 3 होगा, 3, 368 यस सर, पक्का, 368 बोलो भाई, 368 या 468। 368 सर। चलो ठीक है, हाँ वैसे एक चीज ध्यान दो, जैसे ESPC जो है पहली बार देखा है ऐसा, जैसे .2H2O तो देख रखा है ये हम लोगों ने क्लास 10th में देख रखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट। लेकिन एक इस तरह का पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चीज को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में, जैसे बोलते हैं ना आयनिक कंपाउंड हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि क्लास 12th में एक चैप्टर के फॉर्म में भी डिस्कस करना है हम लोगों को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या इसी चीज को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कैसे बनता है ये चीज हम लोग थोड़ा रिसेंटली डिस्कस करेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल इसका नाम क्या होता है वो चीज ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक फीचर याद रखना है या फिर स्पेसिफिक चीज याद रखना है, जैसे हम लोग ऐसा लिखते थे ना कि NaCl है, तो NaCl को जब डिसोसिएट करते हैं तो इस केस में Na प्लस और साथ ही साथ Cl माइनस मिलता है। लेकिन ये जो K4FeCN6 है, इस FeCN6 वाले पार्ट में ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का स्पीसीज है, जब भी इस कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर का स्पीसीज डिसोसिएट नहीं करता, बाहर वाला पार्ट डिसोसिएट करता है। मतलब इसको वाटर में डालेंगे तो 4 पोटेशियम प्लस मिलेगा, उसके अलावा FeCN6 वाला पार्ट मिलेगा, बट ये पार्ट डिसोसिएटेड फॉर्म में निकल के नहीं आता है। इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना होता है। क्लास 12th में एक टॉपिक है जो इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे इस चीज को, कैसे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या कंसिडरेशन इसमें सवाल के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। बट थोड़ा नाम ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन करके देखो ये कितना वैल्यू होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट नहीं। और कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मतलब भूल के भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। हमारी दीदी को देखते हुए कैलकुलेटर यूज करते हुए, बट तुमको नहीं करना है, 11th 12th में अलाउड नहीं होता। कैलकुलेशन करके देखो कि रफली आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू 10 to the power 23, सॉरी सिक्स जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू इंटू 10 to the power 23। पक्का इतना आ रहा है कि पहले से देख रखा है कहीं पे? नहीं, आ रहा है इतना। चलो ठीक है, जैसे एक चीज देख सकते हैं, ये 1.66 इंटू 10 to the power -24 है। ये वैल्यू हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे, 1 AMU का वैल्यू है।
और इस चीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी, 6.02 × 10^23 कितना होता है। बट उससे पहले हम लोगों को एक टर्म डिस्कस करना होता है जिस चीज को हम लोग मोल बोलते हैं। जैसे इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जब नंबर से चीज़ों का एसोसिएट करना शुरू करते हैं तो उसमें होता है कि मान लो मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो आराम से ये टर्म यूज़ करते हैं, डजन। डजन का मतलब 12 होता है। किस चीज़ का 12 होता है? कोई भी एक सब्सटेंस का, किसी भी एक सब्सटेंस का, ठीक है, जिसको नंबर में काउंट कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम लोग किस चीज़ से इसको एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग पेंसिल की बात करते हैं तो इस केस में 1 डजन पेंसिल का मतलब 12 पेंसिल्स आराम से बोल सकते थे। अगर मान लो हम लोग 1 डजन एटम की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग आराम से 12 एटम्स कंसिडर कर सकते थे। अगर हम लोग 2 डजन एटम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग 2 × 12 एटम्स ले सकते थे। अगर 10 डजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग आराम से 10 × 12 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर सकते थे। तो बेसिकली एक चीज़ है, जैसे जब हम लोग डजन बोल रहे थे तो हम लोगों ने अपने चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए, अपने नंबर्स को थोड़े आसान लैंग्वेज में पुट करने के लिए एक यूनिट बना दिया। 12 भी बोल सकते थे, 12 पेंसिल, 14 पेंसिल, 120 पेन, 120 एटम, 120 मॉलिक्यूल बोल सकते थे। लेकिन हम लोगों ने एक नए यूनिट के फॉर्म में इसको डाल दिया, चलो एक दर्जन बोल देंगे, 1 डजन बोल देंगे। सिमिलर टाइप से हम लोग एक और यूनिट डिफाइन करते हैं जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। मतलब सबको मालूम है कि एटम बहुत ही इनविजिबल पार्टिकल है, तो जब बहुत सारे एटम्स एड अप होते हैं तब जाके कुछ विजिबिलिटी निकल के आती है हम लोगों के लिए। तो जब बहुत सारे एटम्स एड अप होंगे, मतलब नॉर्मली 10^23, 10^24, 10^25, जब इन ऑर्डर्स में एटम एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे या फिर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे इतने सारे एटम्स, तब जाके हम लोगों को चीज़ें विजिबल होनी शुरू होंगी। तो इतने बड़े बड़े नंबर को बार बार लिखना पड़े, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ रहा है, बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ रहा है। तो हम लोग इतने बड़े नंबर को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके जो बोलने का लैंग्वेज है, जैसे 12 को डजन में बोल दिया। सिमिलर टाइप से एक वैल्यू है 6.022 × 10^23, जो भी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था, 6.02 × 10^23। ये नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता है, तो इसीलिए इस नंबर वाले पार्ट को हम लोग 1 मोल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। जैसे डजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोग 1 डजन लगाते तो इसका मतलब 12 होता। तो सिमिलर टाइप से 1 मोल अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के लिए लगाए तो इस केस में आराम से 1 मोल का मतलब 6.022 × 10^23 ऑफ दैट सब्सटेंस कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब 1 मोल पेंसिल का मतलब 6.022 × 10^23 पेंसिल। 1 डजन एटम का मतलब अगर हम लोग इसके जगह पे 1 मोल ले लेते हैं तो इस केस में 1 मोल एटम का मतलब 6.022 × 10^23 एटम्स। या फिर अगर हम लोग 2 मोल एटम्स लेके चलते हैं तो 2 × 6.022 × 10^23 एटम्स कंसिडर कर सकते थे। जब 10 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब 10 × 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। तो जैसे डजन था, सिमिलर टाइप का एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट बना दिया गया है मोल, जिसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, लेकिन अभी के लिए ये मेंशन कर दिया 1 मोल का मतलब 6.022 × 10^23 स्पीसीज ऑफ एनीथिंग। और एक्चुअल में ये जो वैल्यू है 6.022 × 10^23, इस चीज को एक नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिस चीज को एक्चुअल में एवोगाड्रोस नंबर बोला जाता है। मतलब ये जो नंबर है ये थोड़ा ध्यान रखने मतलब ये जो टर्म है ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पार्ट होता है। 6.022 × 10^23 = एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम लोगों ने ऊपर का ये कैलकुलेशन देखा हुआ है 1/1.66 × 10^-24, जिस चीज को 1 AMU भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10^23, जिसको अभी जस्ट मेंशन किया एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं। तो अपना कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा यहाँ डिस्कस कर सकते हैं हम लोग आराम से। 1/1 AMU इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। या फिर इसी का एक छोटा सा कंक्लूजन ये ले सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू
1 AMU = 1, लेकिन एवोगाड्रो नंबर बेसिकली एक नंबर है, जबकि एएमयू वाला पार्ट ग्राम है, मतलब मास है। तो इस चीज में हम लोग यूनिट के साथ आराम से 1 ग्राम के बराबर वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एवोगाड्रो नंबर को जब हम लोग 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 के बराबर होगा। ये कंसिडरेशन थोड़ा ध्यान रखना, अभी तो बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लास 12th में एक टॉपिक आएगा सॉलिड स्टेट, उस टाइम पे इस पार्ट को हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। वहाँ एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के जगह पे हम लोग इस तरीके से भी लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब भी कभी हम लोग एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10²³ को 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर निकल के आना चाहिए। अब जैसे पॉइंट ये होता है कि हम लोग का ये जो वैल्यू है 1 मोल, ये वैल्यू कहाँ से निकल के आया, जैसे RAM कहाँ से निकल के आया था, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में। AMU कैसे आया था, कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ये जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसमें 1 मोल जो आया ये कहाँ से निकल के आया, तो ये भी डेफिनेटली कार्बन के रिस्पेक्ट में ही निकल के आया होगा। लेकिन उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस है जो तुमको हम करने देंगे, उनको ट्राई करके देखो कैलकुलेशंस वाले पार्ट को। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस केवल ये पार्ट नोट करो कितने एटम्स होंगे, ये चीज ट्राई करके देखो। पहला पार्ट 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पार्ट 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड पार्ट 96 AMU ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ पार्ट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फिफ्थ पार्ट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है जो बचपन से पढ़ते आ रहा है। अच्छा सर, नहीं समझ रहा है कैलकुलेशन कैसे होगा। चलो ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। जैसे मान लो एक पेन है अपने पास, ठीक है, एक पेन का मास है 1 kg मान लेते हैं, ठीक है, तो यस सर, या 1 kg से अच्छा है कि अब 2 kg ले लें, ठीक है, 2 kg, तो 8 kg में कितने पेन्स होंगे? 1/2 × 8 = 4। इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं अगर सर, मतलब हाँ, मतलब एक एक पेन है तो उसका मास 2 kg है, तो 8 kg में अगर कैलकुलेशन करना है तो टोटल मास से एक पेन का मास जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आराम से वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। मान लो अगर चलो आम का सीजन है, एक मैंगो है, उसका मास हम लोग मान लेते हैं कि 500 ग्राम है, तो उस केस में 25 या 2.5 kg में कितने मैंगो हो गए? एक मैंगो है, मतलब 2.5 kg में कितने मैंगो होंगे? अगर एक मैंगो का मास 500 ग्राम है तो 2.5 kg में कितने? हाँ, 5 कैसे निकाला? 2.5 / 500 ग्राम्स। 2.5 / 500, मतलब बेसिकली टोटल मास से एक मैंगो के मास को डिवाइड किया था तो आंसर आ गया, है ना। तो जैसे 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन है, निकालना क्या है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल मास में से अगर हम लोग एक एटम के मास को डिवाइड कर दें, मतलब टोटल मास को अगर एक एटम के मास से डिवाइड कर दें, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास?
मतलब एक एटम का मास 16 amu, तो बेसिकली ये पार्ट कैंसल आउट होगा, मतलब वन एटम अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर दूसरे वाले केस को कंसिडर करते हैं तो टोटल मास 32 amu डिवाइडेड बाई, हम लोग एक एटम का मास 16 amu ले सकते थे, कितना एटम आएगा? दो। तो तो आगे कैलकुलेशन करो, मोल कंसेप्ट एक्चुअल में यूनिटरी मेथड है। मोल कंसेप्ट में लोग इतना फॉर्मूला वगैरह सब यूज करते हैं, बट सब्जी मंडी जाओ मोल कंसेप्ट समझ में आएगा। तुम लोग जाती नहीं इसलिए तुम लोगों को समझ नहीं आता। सब्जी खरीदने जाती है कभी? नहीं सर, ज्यादा तो नहीं जाती। यही यही तो प्रॉब्लम है आजकल के दुनिया के साथ। तुमसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन देखना सब्जी वाले का होगा। कभी सब्जी मार्केट में जाना, 1 किलो 18 रुपए का है, तो 1.3 किलो कितने का, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, वो सामने वाला फटाफट बता देगा। थर्ड वाले केस में कितना आंसर होना चाहिए? 3। पक्का? यस सर। नहीं, सॉरी, 6। 6, ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान दो, फोर्थ वाले केस पे। जैसे फोर्थ वाले केस में 16 ग्राम दे रखा वैल्यू, ऊपर फर्स्ट नंबर में 16 amu था जबकि यहाँ 16 ग्राम है, मतलब डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन कैलकुलेशन तो वैसे ही करेंगे, टोटल मास भाई वन एटम का मास, तो 16 तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 amu। और अभी ऊपर कैलकुलेशन क्या था ऐसा? कितना आया था वैल्यू? 6.022 × 10⁻²। समझ में आया कैलकुलेशन? तो जब 16 ग्राम में हम लोग 16 एमयू से डिवीजन किए थे, तो 1 ग्राम अपॉन 1 एमयू, तो एमयू का यूनिट ग्राम था, ऊपर भी ग्राम थे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻², 6.022 × 10⁻²³ के बराबर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे तो 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 amu, तो यहाँ से 12.044, हाँ ऐसा लिख सकते थे 2 × 6.022 × 10⁻²³, और इसको ऐसा लिख देना, 6.022 को सीधा Na के बराबर लिख देना, तो 2 × Na बराबर वैल्यू निकल के आएगा। तो थर्ड वाले इसमें 6 नंबर वाले केस में क्या होगा? 36.132 ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करके देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें कितने एटम्स होंगे? तो ढंग से देखो, 12 ग्राम दे रखा और कार्बन 12 दे रखा, और वैल्यू क्या आ रहा है? 1 मोल के बराबर। तो अभी मेंशन किया था कि 1 मोल का डेफिनेशन कार्बन के ही रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग कि जब हम लोग कार्बन 12 का 12 ग्राम लेके चलेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट नंबर इज इक्वल टू, या फिर दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज 1 मोल, या फिर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का इतना स्पीसीज ले जो कि इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स के बराबर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। समझ आया डेफिनेशन? यस सर। जैसे नॉर्मली हम लोग करते क्या है, ये थोड़ा गलत अप्रोच है इस टॉपिक को सीखने का। नॉर्मली लोग पहले डेफिनेशन डालते हैं, जैसे आर एम है उसका डेफिनेशन डालेंगे, बोलेंगे कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद एम यू उसका डेफिनेशन डालेंगे, बोलेंगे कैलकुलेशन करो। लोग इसको रट तो लेते हैं कि आर एम का मतलब ये होता है, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि आर एम क्या होता है, तो तुमने रट लिया है उसको कि भाई मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, रट के बैठे हुए हैं, लेकिन उसका बेसिक मतलब नहीं मालूम कि आर एम कुछ नहीं है, बेसिकली एक मास नंबर का वैल्यू है। एमयू वाला पार्ट भी कुछ नहीं है, कार्बन 12 के एक एटम को जब लोग ये एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि उसका मास नंबर 12 है, उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स है। अगर ऑक्सीजन लेते तो उसका मास नंबर 16 था, तो 16 से डिवाइड करते। नाइट्रोजन को अगर रेफरेंस बनाते तो मास नंबर 14 है, तो नाइट्रोजन के वन एटम के मास को 14 से डिवाइड करके काम करते हैं। तो वो जो रेफरेंस है, वो डेफिनेशन डाला गया है क्योंकि लोग उसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, लेकिन लोग उसको रट के बैठ जा रहे, उसको समझ ही नहीं रहे उसका मतलब क्या है। सिमिलर टाइप से 1 मोल का डेफिनेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू दैट नंबर ऑफ स्पीसीज
दैट इज प्रेजेंट इन 12, या फिर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन स्कूल के एग्जाम के लिए ठीक है, कंपटीशन के लिए नहीं। कंपटीशन के लिए 1 मोल का मतलब 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज ऑफ एनीथिंग। आया कहाँ से? तो 12 ग्राम जब हम लोग कार्बन लेके चलेंगे तब उस केस में कितने एटम्स होंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर या फिर 1 मोल। समझ आया था कपाट? यस। ओके, तो इसके बाद जैसे एक छोटा सा टर्म होता है, इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिखवा नहीं रहे, मेरे पास जो नोट्स पड़ा हुआ है पीडीएफ, या फिर हम लोगों ने जो पढ़ाया है वो पीडीएफ हम तुमको भेज देंगे, डेफिनेशन अपने स्कूल के एग्जाम के लिए देख लेना, हम नोट्स लिखवा नहीं रहे तुमको यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं, मोलर मास है मोलिकुलर मास के जैसा ही चीज लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ। जैसे मोलर मास अगर बोले तो नाम से समझ में आ रहा है एक मोल का मास। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे थे, बट अभी हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोलर मास का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग दो पार्ट का डिवीजन कर सकते हैं, मोलर एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मास, और दूसरा मोलर मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का मास, ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेते हुए चल रहा है। मतलब हम लोग कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही कर रहे हैं एटॉमिक मास का, लेकिन एक एटम के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे, एक मोल एटम के लिए कर रहे हैं। कैलकुलेशन हम लोग अभी भी वही मॉलिक्यूलर मास के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मोल मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में अगर नंबर ऑफ एटम्स मालूम है तो इसका मास अगर निकालना होगा तो एक एटम होता तो कितना मास हो जाता? 6.022 नहीं 12 16 16 एमयू। एक एटम है तो एमयू लगा देना है, ठीक है, 16 एमयू। अगर दो एटम होता तो कितना होता? 32 तो ऐसा लिख सकते थे 2 into 16 एमयू। अगर 10 एटम होता तो कितना होता? 10 into 16 एमयू। मतलब हमेशा आंसर अपना एमयू में निकल के आता। तो अगर मान लो कि Na, या फिर पहले हम लोग X ले लेते हैं, मान लो X एटम होते हैं तो क्या आंसर होता? 16X AMU. X into 16 AMU लिख सकते थे। तो अगर Na एटम होता तो क्या लिखते हैं? 16 Na into 16 AMU. Na into 16 AMU. तो यहाँ से एक चीज देखो, ये जो Na वाला पार्ट और ये जो AMU वाला पार्ट है, अगर इसको हम लोग हटा ले तो 16 इंटू एन ए इंटू 1 एमयू लिख सकते हैं इस चीज को। और ऊपर अभी कैलकुलेशन कुछ बताया था क्या ऐसा यहीं पे? 1 ग्राम बताया था ना, एन ए इंटू 1 एमयू क्या होता है? 1 ग्राम। तो इस केस में ये जो अपना वैल्यू निकल के आया एन ए इंटू 1 एमयू, ये क्या हो गया? 1 ग्राम। 16 इंटू 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 16. तो अगर हम लोग एक मोल का मास कैलकुलेट करते तो एक मोल के मास में 16 तो आया, लेकिन उसके आगे क्या आ गया? ग्राम। अगर एक एटम का मास कैलकुलेट किए थे तो भी 16 आया था, बस आगे केवल एमयू निकल के आया था। तो डेफिनेशन में हम लोगों को केवल एक ही चीज देखना होता है, अगर एटॉमिक मास लेते तो एटॉमिक मास में हम लोग एमयू लगाएंगे, बट अगर मोलर मास लेते तब उस केस में एमयू की जगह पे ग्राम को रिप्लेस कर दो। सेम वैल्यू होगा, बस ग्राम को रिप्लेस कर दिया। जैसे मान लो H2O है, तो H2O एक मॉलिक्यूल है, तो आइदर हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे या फिर मोलर मॉलिक्यूलर मास, सिंपली मोलर मास बोल दो उसको अभी के लिए। तो H2O का मास नंबर कितना हो गया? 18। तो मॉलिक्यूलर मास 18 एमयू हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा? तो बस 18 के आगे एमयू लगा के ग्राम लगा सकते हैं। समझ आया? तो जब हम लोग मोलर मास टर्म यूज करेंगे, बेसिकली 1 मोल के मास की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 मोल एटम का मास हो सकता है, तो मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा, जिस चीज को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मतलब अगर वर्ड ग्राम एटॉमिक मास लगा रखा है, इसका मतलब मोलर एटॉमिक मास की बात कर रहा है, और मॉलिक्यूलर मास में हम लोग टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करते हुए काम करेंगे। मतलब मोलर मास बोल दो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो, दोनों एग्जैक्टली सेम टर्म है। बेसिकली हम लोगों को मास नंबर के आगे ग्राम लगाते हुए कैलकुलेशन करना होगा। तो जैसे मान लो
ये कैलकुलेशन जो ऊपर दिए थे मैंने अभी तुमको सॉल्व करने के लिए, ये सारे के सारे कैलकुलेशन। तो जैसे NH3 है, तो NH3 का मॉलिकुलर मास 17 AMU है, मोलर मास कितना हो जाएगा? 17 ग्राम. 17 ग्राम। दूसरे वाले केस में मोलर मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। थर्ड वाले केस में 64 ग्राम। हर एक पार्ट में मास नंबर सेम है, बस एएमयू के जगह पे हम लोग ग्राम अटैच करते चले जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग मोलर मास आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया यहाँ तक पार्ट? यस सर. ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट में जैसे ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया, तो इसके हम थोड़ा नोट्स तुमको भेज देंगे, जो भी नोट्स यहाँ पे करा रखे थे कुछ एग्जांपल्स वाले पार्ट। जहाँ तक मोलर मास बताया है, इस मोलर मास वाले पार्ट तक के कैलकुलेशंस को एक बार देख लेना केवल नोट्स में, और इसके बाद फिर हम लोग मास को और नंबर वाले पार्ट को कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं, उसे कैलकुलेशंस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक या क्लास में। और हो सकता है कल तुम्हारा डाउट क्लास थोड़ा बढ़ जाए, बढ़ जाने का मतलब तुम्हारा मैथ्स का भी डाउट सेशन हो जाएगा और फिजिक्स का भी डाउट सेशन हो जाएगा, क्योंकि वो भी टॉपिक्स उधर आगे चल रहा है, तो हम चाहेंगे तुम्हारा डाउट क्लासेस का फ्रिक्वेंसी बढ़े। तुमको एक काम थोड़ा करना पड़ेगा कि डाउट सेशन तो हम दे रहे हैं तुमको, बट साथ ही साथ तुमको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी थोड़ा वो देखना पड़ेगा। तो जैसे आज तुमको जो लेक्चर पढ़ा है, तो हम जो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं ना, यस सर. उसमें हम तुमको बता देंगे ये लेक्चर, उसका लिंक हम तुमको शेयर कर देंगे, ये लेक्चर एक बार देख लो और उससे रिलेटेड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि हम लोग डिस्कशन थोड़ा फास्ट हो पाए। जैसे हम लोग कुछ डिस्कशन भी कर लिए, फिर तुम कुछ लेक्चर भी देख लो, तो तुम्हारा काम भी जल्दी से हो जाएगा और हम लोग डिस्कशन भी आराम से कर पाएंगे। नोट्स हम सारे के सारे भेज देंगे। ये नोट्स एक्चुअल में तुमको, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस ठीक है, तो इस चैप्टर का नोट्स तुम्हारे फ्रिक्वेंटली काम में नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों तुम्हारे नोट्स में रेयरली काम आएगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर रखा तो जिंदगी भर चीज याद रहेंगे, मूल कंसेप्ट तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने के बाद काम में नहीं आने वाला नोट्स। तो इसीलिए इसका नोट्स अगर पीडीएफ में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको बस सेव करके रखना है एक जगह पे, ताकि कभी भी नोट्स रेफर करना पड़े तो आराम से रेफर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैथ्स का और फिजिक्स का डाउट सेशन कब होगा उसका मैसेज हम ड्रॉप कर देंगे आज शाम तक, और कौन कौन सा लेक्चर तुमको देख लेना है वो लेक्चर्स वाले पार्ट को हम बोल देंगे एक बार देख लेने के लिए। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का लेक्चर देखना है, बस एक ही लेक्चर हम देखने बोलेंगे केमिस्ट्री का, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक और लेक्चर देखने बोलेंगे, तब तुम्हारा टॉपिक 3-4 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ओके सर. आज के क्लास में कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो, नहीं सर. सब क्लियर हो गया? पुराने यस सर. टॉपिक जो तुमने लेक्चर देखे थे उसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, नहीं सर. डाउट नहीं है? चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर.